स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सो लिसन, व्हेन वी स्पीक वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स एंड दिस डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। मीन टू से, हम जब बोलते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और उन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स, बहुत से वर्ड्स के अलग अलग कार्य होते हैं, तो उन्हीं डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो वी हैव टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज प्रीपोजिशन, सेवेंथ इज कंजंक्शन, एट्थ इज इंटरजेक्शन। So these 8 are called parts of speech. One by one we will read them. First is noun. So what is noun? We call it in Hindi संज्ञा। So संज्ञा क्या है? Noun क्या है? So a noun is the name of any person, place or thing। मतलब एक noun क्या है? A noun is the name of, मतलब किसी भी person, place or thing का नाम क्या कहलाता है? Noun। For example, Tina is dancing। Tina जो है डांस कर रही है, ठीक है। इसमें Tina क्या है? एक person का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो इसमें Tina जो है क्या हुआ? एक नाम हुआ। वैसे ही सेकेंड, बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग, लड़के जो है खेल रहे हैं। तो जो लड़के जो है क्या है? पर्सन है, व्यक्ति है। तो जो बॉय से क्या हुआ? वो भी नाम हुआ। देन थर्ड, I like to read books। I like to read books, मतलब मुझे books पढ़ना पसंद है। इसमें जो books है वो क्या है? एक thing है, वस्तु है। वे भी क्या हुआ? Noun। Then next देखते हैं, I live in नगरी, मैं नगरी में रहती हूँ। इसमें जो नगरी जो है एक स्थान है, स्थान है, प्लेस है। तो ये क्या हुआ? है नाउन हुआ। तो प्लेस कोई भी हो सकता है, हमारा घर भी यहाँ जगह है, हमारा हाउस भी क्या है? हम वहां रहते हैं, मतलब एक जगह है, प्लेस है, वो भी नाउन हुआ। ग्राउंड, वहां हम खेलते हैं, ग्राउंड एक जगह है, वो भी नाउन हुआ। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम क्या है?
हिंदी में हम जैसे कि जानते हैं संज्ञा के बदले यूज होने वाला वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तो ऐसे इंग्लिश में हम बोलेंगे अ वर्ड, इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन के बदले यूज होने वाला वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल जॉन इज अ टॉल बॉय। जॉन जो है लंबा लड़का है, जिसमें जॉन की जगह जॉन, जॉन जो क्या हो गया? नाउन हो गया। इसके बदले हम क्या यूज करते हैं? लड़का है तो ही, इसके बदले हम यूज कर सकते हैं ही इज अ टॉल बॉय। ओके, तो ही जो क्या है? प्रोनाउन है। जॉन जो है नाउन है, तो जॉन की जगह हमने क्या यूज किया? ही, मतलब नाउन के बदले हमने यूज किया प्रोनाउन ही, तो ही जो है प्रोनाउन है, ही इज अ टॉल बॉय। देन सेकंड, राधा वर्क्स हार्ड। राधा जो है कड़ी मेहनत करती है, तो राधा जो है नाउन है। ओके, तो राधा के बदले हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? शी, बिकॉज राधा इज अ गर्ल, तो वी विल यूज शी वर्क्स हार्ड। शी वर्क्स हार्ड मीन्स राधा इज नाउन, नाउन के बदले हमने यूज किया शी, शी जो है प्रोनाउन है, तो शी वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करती है, वह लंबा लड़का है। ओके, अंडरस्टूड? अब अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।